आगरा में नेशनल हाईवे पर बीती रात कोहरे ने अपना कहर बरपाया है, जिसमें अधिक कोहरा होने के चलते हाईवे पर वाहन चालकों को साफ दिखाई न देने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें करीब 1.5 दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर झरना नाले के पास मंगलवार रात एक के बाद एक करीब 16 वाहन आपस में भिड़ गए। इसमें एक ट्रक चालक उमेश चंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, इसके साथ ही 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। बता दें कि ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में शाहदरा पर 6 ट्रक, 2 बस, 1 ऑटो और कार समेत करीब 16 वाहन आपस में भिड़ गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दौरान मुर्गियों से भरी एक मैक्स को स्थानीय लोग लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची। वहीं एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त मैक्स में मुर्गियां भरी हुई थी। मौका पाकर एक के एक करके तमाम स्थानीय लोग कई मुर्गियां अपने साथ ले गए। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान करके पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। ये देखो भाई, वो एक्सीडेंट के अंदर ये यहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसमें देखो चोरों की ज़्यादा टूट पड़ी है और जो यहाँ पर चोरियाँ बरकरार कर रहे हैं। ये चोरी एक्सीडेंट हुआ है आपका सादरा चुंगी 100 फुटे पर एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ कई गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ है। ये सादरा चुंगी 100 फुटे का मीटर है जी। एक गाड़ी और है उधर, उसके पीछे और भी गाड़ी है। ये कोहरे के कारण हुआ है भैया, कोहरा बहुत ज़्यादा है आगरा में झरना नाले पर। ये झरना नाले का एक्सीडेंट है ये सर, एक 1:30 बजे की बात है। ये कितना बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा कोहरा था। घायल तो सर उसमें तो हो गए हैं, मतलब 8-10 लोग मतलब घायल हो चुके हैं। घायल मैं भी बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं है।